स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑटो न्यूज एंड फैक्ट्स में। आज हम बात करने वाले हैं टॉप अपकमिंग SUVs के बारे में। दोस्तों पहले नंबर पर बात करें तो आती है इसमें हुंडई एल्काज़र। सबसे पहले इस गाड़ी के इंजन की बात करें तो हुंडई एल्काज़र में इंजन दो ऑप्शन के साथ पेश किया जाएगा। फर्स्ट इंजन है थर्ड जनरेशन NU 2 लीटर पेट्रोल इंजन। यह इंजन 191 न्यूटन पर मीटर का टॉर्क जनरेट करता है तथा वहीं दूसरी ओर इंजन की बात करें तो 1.5 लीटर डीजल इंजन जो कि 250 न्यूटन पर मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। दोनों इंजन के साथ 6 स्पीड मैनुअल ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का ऑप्शन भी मिलेगा। बात करें इस गाड़ी के ड्राइविंग मोड्स एवं फीचर के बारे में तो ड्राइविंग मोड्स में आपको इसमें 3 मोड मिलेंगे तथा वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें इसमें मिलने वाले नॉर्मल फीचर के बारे में तो इसमें वायरलेस चार्जिंग व एयर प्यूरीफायर जैसे आपको नॉर्मल फीचर मिलेंगे तथा वहीं दूसरी ओर ये गाड़ी 7 सीटर तथा 6 सीटर के साथ पेश की जाएगी। और इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट की बात करें तो ये लगभग इंडिया के अंदर 5 मई 2021 को लॉन्च हो सकती है। और इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करें तो एक्स शोरूम नई दिल्ली के हिसाब से 15 लाख रुपये के आसपास से इसका बेस मॉडल बाजार में उपलब्ध होगा। दूसरे नंबर की कार की बात करें तो यह कार महिंद्रा की तरफ से आने वाली है, महिंद्रा XUV700। यह SUV मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों ऑप्शन के साथ पेश की जाएगी। यह गाड़ी मौजूदा मॉडल XUV500 तथा अल्ट्रोस Z4 के बीच की होगी। इस कार में ऑल व्हील सिस्टम, ऑल व्हील यानी कि ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिलेगा। और इसके एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो यह इसी साल सितंबर से नवंबर के बीच में लॉन्च की जाएगी।